राम राम भाई। सारे भाई है ना, तो क्वेश्चन चल रहे थे टाइम ए प्रॉब्लम ऑन एजेस के ऊपर, आयु संबंधित प्रॉब्लम। तो उसके बाद 12 तक क्वेश्चन हो गए थे, 12वें के बाद 13वां क्वेश्चन देखना एक बार। क्या कह रहा है, राम महेश तथा अमित की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:4, अमित की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो 10 साल पहले उनकी आयु का जोड़ दे दिया। तो मान लेंगे जैसे, तो 10 साल पहले की एज दे रखी है उसकी 2:3:4। तो क्या क्या भाई, रमेश, महेश और है अमित, इनकी एज लिख लो। जैसे इसकी मान लो 2x, इसकी मान लो 3x, इसकी मान लो 4x। ठीक है, तो इनकी 10 साल पहले की एज है ये, तो फिलहाल की एज कितनी हो जाएगी, सारे हम 10 10 जुड़ जाएगा, 10 साल बाद इसकी, 10 साल बाद इसकी, 10 साल बाद इनकी, और जो इनका टोटल दे रखा है सारे का, वो टोटल दे रखा है हमारे को 93 ईयर्स। तो बस क्या करेंगे, सिंपल जोड़ दो इसने, 10 20 38 30, तो सीधा बन गया। तो 3 और 2 5 और 4 9x, 9x प्लस में 30 बराबर 93 की, 9x बराबर में 30 वहाँ जा क्या करेगा माइनस, तो 93 तो ये हो गए 63 रह जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 9 तक अपना काट दे, तो ये भाई 7 5 ले जाएगा पूरा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 हमारे पास। तो बस व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ अमित, अमित क्या है, ये प्रेजेंट एज इसकी कितनी होगी, 4x प्लस में 10, तो एक्स की जगह 7 रख दो, 7 4 28, 28 और 10 38 हो जाएगा भाई इसकी प्रेजेंट एज। तो ये था 13वां क्वेश्चन जिसका आंसर अपना 38। ठीक है, उसके बाद देखो 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, रेशियो ऑफ एज ऑफ अरुण एंड दीपक। अरुण मान लिया हमने, दीपक मान लिया, जो दे रखा है 4:3। आफ्टर 6 ईयर द एज ऑफ अरुण इज 26 ईयर्स, वट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक। तो क्या कह रहा है, तो फिलहाल की एज इसकी कितनी होगी, 4x और 3x। आफ्टर 6 ईयर्स द एज ऑफ अरुण, अरुण की 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 6। आफ्टर 6 ईयर्स द एज ऑफ अरुण इज 26 ईयर्स, जो बराबर है 26 ईयर्स की। वट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक, तो दीपक की एज बतानी उन्होंने जो 3x। तो यहाँ तो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, 4x बराबर 26 में तो 6 गए भाई 20, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। तो दीपक की वैल्यू क्या, एज क्या कितनी हो जाएगी, 3x, जो कि 3 × x की जगह रख देंगे 5, तो हमारे पास आ जाएगी 15 इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया 14वां क्वेश्चन। इसके बाद अगला देख लो, अगला है 15वां, द रेशियो ऑफ एज ऑफ समीर एंड आनंद इज 5:4। समीर की, आनंद की 5 है और 4 है। आफ्टर 3 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 11:9। आफ्टर 3 ईयर्स देयर रेशियो विल बी 11:9। वट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद। तो भाई देखो, मैंने इनका तरीका दूसरे तरीके का रेशियो प्रोपोर्शन वाले मेथड तो बता रखा है कि भाई जो रेश कितने भी साल आगे पीछे हो जाए, लेकिन हमारी जो एज का जो डिफरेंस है, जैसे इसका डिफरेंस कितना है 9 और 2 11, 2 साल का, और इसका डिफरेंस कितना 1 का, तो ये डिफरेंस भाई सेम होता है। तो हमने सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ा, 2 को इसको ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, और यो 1 इसको ऊपर से मल्टीप्लाई या नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 5 × 10, 4 × 8, 11 × 11 और 9 × 9। तो देखो 2 साल का, 2 साल का गैप हमेशा रहेगा हमारे पास सेम। तो देखो इनके बीच में कितने साल का गैप दे रखा है, 3 साल का, और है कितना 1 साल का, तो क्या करना पड़ेगा, 3 बनाने के लिए 3 तक गुणा करना पड़ेगा सारा, तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। तो 10 3 30, 8 3 24, 11 3 33, 3 में 27। ठीक है, तो ये जाएगी वट, ये हो गया द रेशियो दे, वट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद, तो प्रेजेंट एज ऑफ आनंद हो जाएगी 24 साल। तो ये था भाई तरीका इसका करने का, इस तरीके से भाई आगे जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसानी से और जल्दी सोल्व हो जाती है ये तरीका जो मैंने बताया है। वैसे आप एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो, जैसे रेशियो ऑफ समीर एंड आनंद क्या हो जाएगी, 5x, 4x, 3 ईयर्स आफ्टर कितना हो जाएगी, +3 +3, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी
11:9, बस इन्हें सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आनंद की एज क्या आ जाएगी हमारे पास 24, ठीक है। करके दिखा दो, 5 × 45 × 9 = 27, देखो पूरा तो 9 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 9 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, और 11 × 44 × 33 = 45, ये वहाँ जा क्या करेगा माइनस, तो यहाँ रह जाएगा खाली एक्स, और 33 में वहाँ जाकर 27 माइनस करेगा कितना बच जा 6, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6। दो बस जो समीर है ये समीर ऊपर वाला था, आनंद नीचे वाला है, तो फिलहाल की एज कितनी है 4x, तो 4 × 6 बराबर आ जाएगा 24 के बराबर। तो ये था भाई हमारा 15वां क्वेश्चन, 14वां 13वां तीनों के तीनों हो गए हैं। इसके बाद देखो अगला पेज, इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 16वां। 16वें में क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व दीपक की आयु अजीत की आयु से दोगुनी है, दीपक की आयु अजीत की आयु से दोगुनी है 10 साल पहले, ठीक है। इफ द एज ऑफ दीपक वॉज 40 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स देन फाइंड द एज ऑफ अजीत, तो एज कितनी मान लेंगे भाई इनकी 2x और इसकी हो जाएगी 1x, ठीक है। इफ द एज ऑफ दीपक वॉज 40 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स, तो देखो क्या कह रहा है ये कि 10 साल पहले तो थी दीपक की एज 2x, 10 साल पहले, तो फिलहाल कितनी होगी, जमा में 10 कर देंगे तो ये आगी इसकी प्रेजेंट एज जो फिलहाल इसकी एज है। उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर इसके इसके भी 10 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 40 साल की, तो यह बात उसने कही कि भाई देखो 2x था 10 साल पहले की, फिलहाल कितनी होगी प्लस 10 कर देंगे, उसके बाद 10 साल बाद और कह रहे तो प्लस 10 और हो जाएगा, जो कि बराबर दे रखिए हमारे को 40 ईयर्स के बराबर, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस में 10 और 10 हो जाए 20 बराबर है 40 के, तो 2x के बराबर आ जाएगा 40 में तो 20 गए भाई 20, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/2 जो कि बराबर आ जाए हमारे पास 10 के। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अजीत, प्रेजेंट एज ऑफ अजीत क्या होगी, देखो 10 साल पहले किया 1x, तो 10 साल बाद की जो फिलहाल कितनी हो जाएगी 1x, 1x प्लस में 10, तो एक्स की वैल्यू रख दें तो 1 × 10 + 10 जो कि हमारे पास आ जाएगी 20 के बराबर, तो 20 हो गया भाई इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देख लो अगला, अगले में क्या कह रहे थे 17वां, 10 ईयर्स अगो द एज ऑफ सचिन वाज डबल टू द एज ऑफ अजय, भाई मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सारे आगे क्वेश्चन रिपीट है बिल्कुल, द एज ऑफ सचिन वाज डबल टू द अजय, सचिन और अजय, सचिन है 2 गुना अजय का 10 साल पहले, 10 साल गैप आ गया। इफ द एज ऑफ सचिन विल बी 60 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स, तो देखो इसकी एज मान ली हमने 2x, इसकी मान ली हमने 1x, तो सचिन की फिलहाल की एज कितनी हो जाएगी 2x + 10, ठीक है 2x + 10 होगी प्रेजेंट की एज। उसने कहा भाई आफ्टर 10 ईयर्स फिलहाल के भी जो प्रेजेंट एज है उसके भी 10 साल बाद वो 60 साल का हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x + 20 बराबर है 60 ईयर्स के, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 वहाँ जाकर माइनस करेगा तो 40, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 20, एक्स की वैल्यू 20 आ गई। देन फाइंड द एज ऑफ अजय, तो अजय की एज हमने निकालनी है फिलहाल की, तो 1x + 10 हो जाएगा क्योंकि 10 साल पहले की है 1x, तो फिलहाल कितनी हो जाएगी 1x + 10, तो 20 + 10 बराबर आ जाएगा 30 ईयर्स के, ठीक है भाई, तो ये होगा आंसर अपना 30। उसके बाद 18वां क्वेश्चन और देख लो, अठारह में क्या कह रहा है, अभिषेक की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है, फादर की अभिषेक की 6/1 है 6वां भाग, मतलब 1/6। द एज ऑफ अभिषेक फादर विल बी डबल टू द एज ऑफ अभिनव आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल बाद द आफ्टर द एज ऑफ अभिषेक फादर विल बी डबल टू द एज ऑफ अभिनव आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 2 गुना हो जाएगी इसकी 2/1 हो जाएगी। इफ़ द 8th बर्थडे ऑफ अभिनव इज सेलिब्रेटेड 2 ईयर्स अगो वट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ अभिषेक, ठीक है, तो 10 साल पहले की तो एज दे दी भाई हमारे पास क्या, द प्रेजेंट द एज ऑफ अभिषेक इज 6th part ऑफ द एज ऑफ हिज फादर, द एज ऑफ अभिषेक फादर विल बी डबल टू द अभिनव आफ्टर 10 ईयर्स, ये 10 साल बाद की है और ये फिलहाल की, ठीक है, तो
उसने लास्ट क्या, इफ द 8th बर्थडे ऑफ द अभिनव इज सेलिब्रेटेड 2 ईयर्स अगो देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द अभिषेक। तो देखो भाई, इसमें हमने कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल समझने का सवाल है। क्या कह रहा है, 8वां बर्थडे 2 साल पहले, मतलब 8वां बर्थडे जब सेलिब्रेट किया तो अभिषेक की, अभिनव की एज कितनी होगी, 8 साल। और यो जो 8वां बर्थडे जिसने सेलिब्रेट किया वो है 2 साल पहले सेलिब्रेट करा है, तो 2 साल पहले सेलिब्रेट किया तो फिलहाल कितनी हो जाएगी, 8 जमा में 2, जो कि फिलहाल की एज कितनी हो जाएगी, 10 साल। ठीक है, तो 10 साल होगी इसकी फिलहाल की एज। अगर इसमें मेथड निकाले इससे भी निकाल, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिना निकाले सवाल हो रहा है वो, क्योंकि 8वां बर्थडे उसने सेलिब्रेट कराया 2 साल पहले, तो 8 साल का था, तो फिलहाल कितना आ जाएगा, 8 जमा में 2, 10 साल का। ठीक है, तो ये होगा 18वां क्वेश्चन। उसके बाद देख लो अगला क्वेश्चन जो कि है 19वां। 19वें क्या कह रहा है, व्हेन 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एज ऑफ गुलजार एंड रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाई 18 वी गेट द एज ऑफ अनूप। तो देखो, गुलजार की जो एज है, जो व्हेन 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एज ऑफ गुलजार, 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 18, और यो जब हमने डिवाइड कर दिया 18 से, वी गेट द एज ऑफ अनूप, जो कि बराबर आ जाएगा अनूप के। ठीक है, महेश इज 5 ईयर्स ओल्ड, महेश की दे दी 5 ईयर्स, एज ऑफ अनूप इज 2 ईयर लेस देन द एज ऑफ महेश। अनूप क्या है, इससे एज ऑफ अनूप इज 2 ईयर्स लेस देन द एज ऑफ महेश, मतलब अनूप कितने साल का, इससे 2 साल छोटा है, तो ये हो गया 3 साल का, अनूप की एज आएगी 3 साल, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, अनूप की जगह 3 साल रख सकते हैं, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे भाई, 3 ईयर्स, ये रख दिया हमने। तो बस इसी क्वेश्चन ने सोल्व कर लो यहाँ तक अपनी, गुलजार की एज आ गई, फाइंड द एज ऑफ गुलजार। तो देखो, 18 ने 3 तो मल्टीप्लाई कर दो, 18 ने 3 तो ये था गुलजार माइनस में 6 बराबर 18 गुणा में 3 भाई। ठीक है, 18 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 1 3 2 5, जो कि बराबर है गुलजार, यो माइनस का 6 वहाँ जा क्या करेगा, प्लस का 6, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 60। तो गुलजार की एज क्या आ गई भाई, 60 साल। ठीक है, तो गुलजार आ गया हमारे पास 60 साल का। तो ये हो गया भाई 19वां क्वेश्चन। उसके बाद देख लो 20वां क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं भाई ये। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए एंड बी आर फ्रेंड, दोनों दोस्त हैं, एज ऑफ ए इज 2 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ बी। तो जितनी भी लाइन पढ़ो ना भाई, उसका डाटा अपना लिख लिया करो, एज ऑफ ए 2 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ बी, मतलब बी की हमने मान लेते हैं एक्स, तो इसकी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस में 2। डी इज द फादर ऑफ ए, डी है जो डी फादर ऑफ ए, मतलब ए का फादर है। ठीक है, डी इज द फादर ऑफ ए, एज ऑफ डी इज ट्वाइस द देन दैट ऑफ द एज ऑफ ए। दो जो है, डी इज द फादर ऑफ ए, तो मतलब पता आया कि भाई डी इसका बाप है, तो इससे बड़ा ही होगा, एज इसकी बड़ी होगी। द एज ऑफ डी इज ट्वाइस देन दैट ऑफ द एज ऑफ ए, तो एज ऑफ ए देखो कितनी थी, एक्स प्लस 2, ए की एज है एक्स प्लस 2, तो डी की एज क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगा एक्स प्लस 2 का। ठीक है, 2 गुणा एक्स प्लस 2 का। ठीक है, तो डाटा लिख लो बस, एक बार आखिर में अपने आप सोल्व हो जाएगा, डी इज ट्वाइस देन दैट ऑफ एज ऑफ ए। सी इज द सिस्टर ऑफ बी, जो सी है नेगेटिव सिस्टर ऑफ बी, बी की है सिस्टर, ये भी लिख लिया हमने, सी इज द सिस्टर ऑफ बी, एज ऑफ बी इज डबल द एज ऑफ सी, मतलब बी बड़ा है, एज ऑफ बी इज डबल टू द एज ऑफ, मतलब ए बी की हमने पता है एक्स है, तो क्या होगी इसकी, एक्स बाय 2, क्योंकि ये डबल है बी के, बी अपनी बहन के एज के डबल है, तो एक्स बाय 2 का देखो डबल करेंगे तो हम, तो एक्स ही तो बच जाएगा, जो कि हमने मान्य है। ठीक है, तो यह मान लिया हमने एक्स बाय 2, ये हो गया सारा डाटा, एज ऑफ बी इज डबल टू द एज ऑफ
सी इफ द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ डी एंड सी इज 40 ईयर्स। देखो डी कहाँ है, डी की एज यह है, सी की एज यह है। इफ द, ये दे दिया, इफ द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ डी एंड सी, जो डी माइनस में सी है वो है 40 साल के बराबर, देन फाइंड द एज ऑफ ए एंड सी। बस सिंपल हो जाएगा, डी और सी की जो इनकी वैल्यू रख दो, डी की वैल्यू क्या भाई 2x+2 और सी की वैल्यू क्या हमारे पास x/2 जो कि बराबर आ जाएगा 40 के, तो ये जाए 2x+4 माइनस आएगा x/2 बराबर 40 के। तो देखो 4 वहाँ जा क्या करेगा माइनस 2x माइनस में x/2 बराबर है, ये देखो 4 वहाँ जा करेगा भाई माइनस, और x वाले एक साइड रख लो और ये वाला वहाँ जा कर दो माइनस, तो ये रह जाएगा 36। तो देखो 2x माइनस में x/2 बराबर जो कि आ रहा है हमारे पास किसके बराबर आ रहा है 36 के, तो इसका ले लो भाई एलसीएम, तो 1 2 जा 2 2 2 जा 4x माइनस में x बराबर 36, तो ये क्या बच जाएगा 4 में तो 1x गया 3x बराबर 36 दुनी 6 दुनी 12 1 3 2 जा 6 1 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 72/3 3 2 जा 6 और 3 चौके 12, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास भाई 24। तो जो हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा यहाँ तक, तो लास्ट में जो फाइंड द एज ऑफ ए एंड सी, ए की एज क्या थी हमारे पास x+2, मतलब ए हो जाएगा 26 साल का, ए की एज थी x+2 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 24, तो 24 और 2 26 ये आ गई ए की एज हमारी 26 साल। उसके बाद क्या है फाइंड द एज ऑफ ए और सी की एज, सी क्या है x/2 मतलब 24 का आधा 12, तो 26 और 12 हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आता एक बार दोबारा देख लो, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था भाइयों। अगला क्वेश्चन और देख लो इसके बाद। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 21वें में द रेशियो ऑफ एज ऑफ टू ब्रदर ए एंड बी इज 1:2, ए बाय बी रेशियो क्या है 1:2, बिफोर 5 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 1:3, 5 साल का गैप है, 5 साल पीछे जा रहा है तो एज होगी 1:3, वट विल द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स। ये तो है प्रेजेंट की, ये है 5 साल बाद की। ठीक है, तो देखो एज का डिफरेंस क्या है भाई, एक है यहाँ तक, यहाँ तक देखो कितना डिफरेंस है 2, तो डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए, तो इसने कर दो 2 तक गुणा, क्योंकि यहाँ 2 था ये 2, इन दोनों अब गुणा हो जाएगा। मैंने पहली वीडियो भाई सारा बेसिक बता रहेगा, अगर नहीं देखिए तो बस देख लेना, तो जगह 2/4 और ये हो जाएगा 1/3। तो देखो डिफरेंस देखो 1 में 3 गया 2, 2 में 4 गया, रह गया 2, इनके बीच का डिफरेंस है भाई 5 साल, 5 साल बनाना है, अरे है कि जहाँ देखो 1 तो 2 जा रहा है, मतलब 1 साल का 5 बनाना है, तो गुणा कर दो सारे ने 5 से, तो ये बन जा 5 5 15, ये बन जा 5 2 10 5 4 20, तो या तो होगी प्रेजेंट की एज, और उसने पूछ क्या रहेगा बिफोर फाइंड द वट विल बी द रेशियो देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल और पहले 10 में 5 जोड़ दो 15 और 20 में 5 जोड़ दो 25, तो 5 3 15 55 25, तो 3:5 हो जाएगा इसका आंसर, 3:5 5:3। ठीक है भाई, ए आर बी, तो ये 3:5 होगा इसका, गलती देती है लगा रखा है मैंने, क्योंकि ए छोटा है भाई इससे, तो ए की रेशियो हमेशा छोटी रहेगी। ठीक है, 21वीं का हो गया ए। उसके बाद देख लो क्वेश्चन अगला, 22वां क्वेश्चन, 22वें में देखो क्या कह रहा है, बिफोर 6 ईयर्स, चलो इन्हें पढ़े, 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था, कुणाल है रोहित है 6:5, 6 वर्ष पूर्व मतलब गैप कितना आएगा 6 साल का, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष और ऐड हो गए, उनकी आयु का अनुपात हो जाए 11/10, रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई एज का डिफरेंस कितना है 1, एज का डिफरेंस कितना है 1, तो मतलब सेम है, तो हमने कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, और बीच में देखो 6 साल पहले और 6 साल के बाद का, तो मतलब कितना टोटल गैप कितना हो गया 10 साल का गैप हो गया टोटल, तो 10 साल का बनाना देखो 6 और 5 11, 6 और 5 11 होता है, तो 5 है
अर्बनाना कितना, हमने देखो 6 साल, ये 10 साल, ये 10 साल का, 6 साल ही हो, 4 साल ही हो, 10 साल का गैप होगा, तो है फिलहाल कितना, 6 और 5 11, 5 का गैप है, तो बनाना हमने 10, तो 5 दूनी 10, तो सारे ने क्या कर देंगे, 2 तय मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो 6 दूनी यो भी 2 से मल्टीप्लाई, यो भी 2 से मल्टीप्लाई, यो भी 2 से मल्टीप्लाई, यो भी 2 से, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यो कितना 11 दूनी 22 और 10 दूनी 20। अच्छा, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित, ये था के, ये था आर, तो प्रेजेंट एज कितना चाहे तो इसमें 6 6 जोड़ दो, चाहे इसमें 4 4 घटा दो, एक के बाद पड़ेगी, तो 12 और 6 18 10 और 6 16, देखो 22 में 4 घटाओगे 18 20 में 4 घटाओगे 16, तो 18 बटे 16, ये तो आर एज आगी कुणाल की, ये एज आगी रोहित की, तो 16 साल है रोहित की एज, ठीक है भाई। उसके बाद देखो आप 23वां क्वेश्चन, 23वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 6 गुना थी, फादर है सन है, कितनी थी 6 गुना थी 2 वर्ष पूर्व, आफ्टर 18 ईयर्स देर एज विल बी डबल टू द एज ऑफ सन, 18 साल और आगे तो डबल हो जाएगी उसकी, तो देखो डिफरेंस देखो इसमें कितना है 5 का, इसमें डिफरेंस कितना है 1 का, तो ये जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1 ने यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6 बाय 1, 5 दूनी 10 बाय में 5, बीच में देखो कितने का गैप है 4 साल का, और है बनाना कितना 18 और 2 20 साल का, तो 4 का हमने गैप बनाना 20 साल, तो 4 ने 5 तो मल्टीप्लाई, 4 5 20, तो सारे ने भी 5 तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 1 30, 5 1 5, 10 5 50 और 5 5 25, तो ये आएगी एज इनकी। देन व्हाट इज़ द प्रेजेंट एजिज, प्रेजेंट एजिज क्या जगह, चाहे तो जमा दो कर दो, चाहे -18 कर दो, क्योंकि -18 क्यों करें, 18 साल बाद की है और 2 साल पहले, तो फिलहाल की एज कितनी हो जाएगी, 2 2 ऐड कर दो आसान रहेगा, 30 और 2 32, 5 और 2 7, 32 और 7 हो जाएगी इनकी एज दोनों की, ठीक है भाई। उसके बाद देख लो 24वां क्वेश्चन, 24वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिफोर 5 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था, पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था, अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है, वर्तमान में पिता की आयु कितनी होगी, देखो 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था, देखो दो बंदे हैं यार, 60 वर्ष था, अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है, मतलब 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष बाद, देखो दो बंदे हैं, 5 वर्ष पहले तो उनकी एज थी 60, ठीक है, ये 5 वर्ष बाद कितनी होगी, देखो इसकी मैं कितने होंगे, देखो 5 साल बढ़ेगी ऊपर इस वाले की और 5 साल बढ़ेगी इस वाले की, तो टोटल कितनी बढ़ी 10 साल, तो फिलहाल कितनी एज होगी 70, और जो 70 एज होगी दोनों का मतलब टोटल, और अब फिलहाल दे कितनी रखी है 1/4, जो है फादर की मान ली हमने 4x और सन की मान ली हमने 1x, ठीक है भाई, तो जो ये 4x जमा में 1x, इनकी एज का टोटल दे दिया हमारे को 70 साल, 70 साल क्यों दे दिया, क्योंकि भाई उनकी 5 साल पहले थी 60 साल, तो वो 65 नहीं होगी, क्योंकि 5 5 साल दोनों बाप और बेटे के दोनों के बढ़ेंगे, जैसे आप और बाप और बेटे, आप 20 साल के हो और आपके फादर हैं 40 साल के, तो 5 साल बाद, अभी तो फिलहाल आपकी एज कितनी है 60 साल का टोटल है आपका, और 5 साल बाद कितना हो जाएगा, देखो आपके फादर हो जाएंगे 45 साल के और आप हो जाएंगे 25 साल के, तो 45 और 25 कितने हो जाएंगे भाई 70 साल हो जाएंगे ना, तो 5 साल आपकी बड़ी, 5 साल आपकी फादर की बड़ी, तो क्या हो जाएगा इनकी भी एज का यो 5 साल बाद हो जाएगा टोटल 70, तो 4x जमा में 1x 5x बराबर 70 के, x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 5 1 5 2 5 5 4 20, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से 14। ये बात देखो पूछ रहेगा व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है 4x, जो कि क्या बराबर आएगी 4, और x की वैल्यू रख दो कितना है 14, तो 14 चौके 4 चौक 16, 1 4 1 4 1 5, तो जो 14 चौके 56 है भाई, ठीक है,
तो यो था इसका 24वें का आंसर। तो यो था भाई आज का सेशन, 26 24 तक क्वेश्चन हो गया। आग गई भाई बिल्कुल कति सेम क्वेश्चन है, अगर नहीं होंगे तो मैं ज़रूर कराऊंगा, और वैसे भी कराने हैं मैंने सारे के सारे, लेकिन अपने तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखा करो, क्योंकि अपने आप प्रैक्टिस करोगे फिर मेरा सोल्यूशन देखोगे तो भाई मज़ा आने आ रहा होगा करण का सवाल, ठीक है। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो यार शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो, इतनी मेहनत करें यार तारे लिए तो इतना तो बनता है, तो शेयर जरूर कर दिया करो, चाहे कुछ करो ना करो, व्हाट्सएप पर अपने फेसबुक पर ग्रुप पर जितने भी ग्रुप पढ़ने वाले बालक हैं यार सारे तो शेयर कर दिया, क्योंकि मदद हो यार इन तक कोई बात नहीं। जितने भी आपके यार दोस्त हैं भर्ती बढ़िया लिख रही हुई यार, तैयारी बढ़िया करो, और इन नोट्स में तो क्वेश्चन बाहर किते नहीं जाता भाई, ठीक है। और वीडियो पूरी देखा करो, पूरी देखने से एक तो बेनिफिट ये होगा यार बीच में कुछ भी बात नहीं छूटेगी और तारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यार, तो बीच में वीडियो स्किप ना करा करो, पूरी देखा करो वीडियो। धन्यवाद, अगर वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक और शेयर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में नीचे बता दियो, सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है उस पर सब्सक्राइब कर दियो, और भाई ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय।